हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को स्वेटर डिज़ाइन बताऊंगी और ये स्वेटर डिज़ाइन हमारा बॉर्डर डिज़ाइन भी बन सकता है इसका। ये चाहे जेंट्स स्वेटर में बनाओ या बच्चों के स्वेटर में बनाओ, बच्चों के स्वेटर में इसका कॉलर भी बन सकता है। ज़्यादा फंदा गले पे उठा के गोल कॉलर बनाना चाहते हो तो आप बहुत ही अच्छा लगेगा, तो इसका बना सकते हो। और ये कितने फंदा में बना है, तो ये तो हमारा 2 प्लाई का धागा है, इसको आप 3 प्लाई में बनाना। और ये कितने फंदे में बना है, तो ये डिज़ाइन हमारी देखो 4-4 फंदे में बनी हुई है। दोनों साइड में हमने एक एक फंदा रखा हुआ है और ये 4 फंदा 4 फंदा करके ऐसे पूरी डिज़ाइन हमारी रेडी है। तो चलिए मैं बताती हूँ, और फ्रेंड्स वीडियो को आप लोग पूरा देखना, स्किप नहीं करना। इसमें हमने 17 फंदा लिया है, दोनों तरफ एक एक फंदा हमने सिलाई के लिए लिया है, और ये 15 फंदा हमारा डिजाइन के लिए है बीच में। तो ये फर्स्ट वाला फंदा देखो हम स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, ये 1 फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर 1 फंदा हम सीधा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, 1 2 3, 3 फंदा हमने, ये 3 फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे सीधा, फिर धागा आगे, फिर से 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर लास्ट में 1 फंदा सीधा बनाएंगे। ये हमारा सीधा साइड था। अब ये देखो यहाँ हमें कैसे बनाना है, फर्स्ट वाला फंदा यहाँ हम स्लिप करेंगे, ये फर्स्ट वाला फंदा स्लिप किया, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, ये देखो 1 फंदा हम यहाँ स्लिप करेंगे, फिर से धागा आगे। तो ये जो हमारा स्लिप किया हुआ फंदा है, ये हमें बीच में लाना है, 1 फंदा ये, 1 फंदा ये, तो तीनों लेकर के हमें 3 फंदा उल्टा बनाना है, 1, ये फंदा हमारा स्लिप किया हुआ है, 2 ये 3, फिर से धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा फिर से उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, ये 2 फंदा उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा साइड था। अब फिर से हम देखो सीधा साइड आ गए, फिर से यहाँ फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 1 2 3, धागा पीछे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे। सीधा वाला फंदा हमें स्लिप करना है दोनों साइड से, 1 2 3, फिर से धागा पीछे, 1 फंदा स्लिप करेंगे, 1 2 3, लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे, ये देखो। अब ये हमारा उल्टा साइड देखो, फर्स्ट वाला फंदा इधर हम स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर ये सीधा फंदा स्लिप करेंगे। तो दोनों तरफ से हमें सीधा फंदा स्लिप करना है और उल्टा फंदा हमें बनाना है, फिर धागा आगे, फिर 3 फंदा स्लिप करेंगे, उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा ये सीधा वाला स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर से 1 फंदा स्लिप करेंगे, ये देखो सीधा फंदा है उसको हमें स्लिप करना, 2 फंदा लास्ट में उल्टा बना लेना। ये देखो 2 डिजाइन हमारी बन गई, फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, धागा आगे, 3 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा पीछे, सीधा वाला फंदा हमें स्लिप करना है, फिर
फिर धागा आगे तीन फंदा उल्टा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते जाना, फिर ये डिजाइन बढ़ती जाएगी। दोनों तरफ से हमें सीधा फंदा स्लिप करना है और उल्टा फंदा हमें बुनाई करना है। अभी लास्ट में ये फंदा हम बुनाई कर लेंगे। ये सीधा साइड देखो, बीच में चोटी ऐसे बन के आ रही है और बीच बीच में तीन तीन फंदे उल्टा है। अब ये देखो उल्टा साइड, अब उल्टा साइड में फर्स्ट में देखो फर्स्ट वाला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे, फिर सीधा फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर सीधा फंदा स्लिप करेंगे, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा बनाएंगे। तो डिजाइन हमारी ऐसे ही बनके रेडी हो जाएगी। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से बनाना है हर बार। देखो चोटी हमें स्लिप करना है और उल्टा फंदा हमें बुनाई करना है, हमारा डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो ये डिजाइन ऐसे ही कंप्लीट हुई है दोनों तरफ से। देखो इधर भी बीच में चोटी है और बीच में तीन तीन फंदे हमने उल्टा लिया है और ये उल्टा साइड है। इधर भी हमारी देखो बीच में चोटी है, बीच में उल्टा उल्टा फंदा, तीन तीन फंदे हैं। तो ऐसे ही बनाना है आप लोगों को। दोनों तरफ से चोटी को हमें स्लिप करना है जो बीच में सीधा है, और उल्टा जो फंदा दिख रहा है हमें दोनों तरफ से उल्टा फंदा उल्टा ही बुनाई करना है, और ये वाला फंदा हमें स्लिप करना है। ये डिज़ाइन बन के रेडी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।